गाइस एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, हाथ ऊपर करके एक बार ताली होनी चाहिए, जबरदस्त, क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम टू मुंबई। सो आई थिंक ट्रेलर वाज गुड, फैंटास्टिक सॉन्ग्स, आपने रिएक्शन सुनी लिया है लोगों के। राजीव क्या लगता है, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं सबने अपना रिएक्शन दिया, अपना अपना परसेप्शन दिया है, आपको क्या लगता है कि जो आपने गाने देखे हैं एंड खासतौर से ये जो ट्रेलर देखा है? ट्रेलर देख के मुझे लगा कि तुमने जो अनाउंसमेंट कॉर्नर में खड़े होकर दी है ना, वो लेजेंड सर का फाइट एक्शन देखने के बाद इधर चले गए थे। वो नहीं मारते स्टेज पे ऐसा। हाँ हाँ, क्या बात है सर, सर को माइक दीजिए, माइक लेडीज। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो फाइट सीक्वेंस था ये अपना बड़ा यूनिक है, बहुत कमाल का है, तो कितने दिन में ये फाइट सीक्वेंस आपने कंप्लीट किया? या सबका नमस्कार है, एक्चुअली आवर स्टंट मास्टर इज अनिल अरसु। ओके, ही इज नाउ सलमान के साथ बहुत ज्यादा फिल्म किया जी, अभी सल शाहरुख के साथ अभी चल रहे थे, सो ही इज मेकिंग द ऑल क्रेडिट्स एंड very easily to eat all the things, you know, very easily without efforts, very casually, very normally we did all the fight scenes and that JDJ directors designing so easily, very not pain which we make, very easily we design. Sorry, but sometimes some injury is there, some blood also there, but that was nothing. The question man, that is nothing, you want success, that's all. Kyunki ek businessman hona aur uske baad achanak stuntman hona, बिजनेसमैन स्टंटमैन, ये जर्नी जो है मैंने वही पूछना था कि बिना चोट लगे पहुंचे कि आप, मतलब कोई चोट ना आई हो? नहीं नहीं कुछ भी प्रैक्टिस नहीं है, ऑन स्पॉट में ही सब किया, ऑन स्पॉट, इट वाज सुपर। और खासकर वो कुर्सी वाला जो शॉट था, जो कुर्सी टूटने के बाद आदमी उठ जाए, हमारे यहाँ नहीं उठते, हमारे पूरे हो जाते हैं। बट गानों में मतलब दो गाने जो आए हैं उर्वशी जी और राय लक्ष्मी जी, मतलब सर के साथ, क्योंकि आप तो गाने करते रहते हैं, उनके लिए पहला एक्सपीरियंस था, सो क्या कुछ टफ था उसमें सर के साथ पहली बार गाना करते हुए? तो होता है मैं तो बहुत डर जाता हूँ, जैसे हीरोइन पास में आती है ना तो मैं घबरा जाता हूँ, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद सर? आई वाज एक्चुअली शॉक्ड, ये जो कॉन्फिडेंस है एक डेब्यू फिल्म, सब में ना एक नर्वसनेस होती है, इनमें बहुत कॉन्फिडेंस था एंड वो चैलेंज के हिसाब से वो लेके चल रहे थे कि आप मुझे जो भी दो, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन वर्स्ट स्टेप्स, मैं करूँगा, हार्ड वर्किंग, सो सीइंग दैट साइड में बहुत, मतलब आई वाज रियली इंप्रेस्ड, ही रियली वर्क। देखो एक होता है कि बिजनेस फैमिली से है, उनको अगर करना नहीं है तो वो बोल सकते कि मुझे चेंज करा दो ये, बट ही वॉन्टेड टू डू दिस, ही टुक टाइम फॉर रिहर्सल्स वहाँ पे ऑन स्पॉट एंड ही शोड हिज इंटरेस्ट, दैट डेडिकेशन आई रियली लाइक अबाउट इट। सो समबडी जो एक डांस जोन ही उनको बहुत नया है एंड फॉर हिम इट्स वेरी न्यू, you know, and for somebody who wants to show himself that I can dance, and that's the result here. He is really right. Actually, a bahut hi personal question puchunga, itne sare kalakaron ke sath kaam kar liya aapne idhar, kitne agar count karo to kitne hero ke sath kaam kar chuki hain aap hi bataiye? 67 se 35 hero to hain. Nahi nahi, wo hero to puchho na bhai, ladkiyan bhi list rakhti hain, kya baat kar rahe hain, ladke hi rakhte hain sab, haan nahi to aap bataiye? Nahi, we count nahi, jhoot mat bolo, list hai tumhare paas, क्या बात कर रही हो? मैंने कभी गिना नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने सुना है एक बार अपने टीम से बोल रही थी कि उनके साथ काम कर रहा हूँ, ये पहली बार आपके साथ काम कर रहे हैं, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस, तुमको ऐसा कितना नंबर देना चाहोगे, कितने पॉइंट्स देना चाहोगे इनको एज एन एक्टर? एज अ डेब्यूटेंट आई डोंट सी हिम एज अ डेब्यूटेंट बिकॉज मैंने बहुत सारे न्यू हीरोज के साथ भी काम किया है इन द पास्ट, जो एक्चुअली फ्रॉम द फिल्म सर्कल है एंड ही इज कम्प्लीटली अ नॉन फिल्मिंग पर्सन, सो विथ हिज हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड पैशन, वो पैशनेट है अपने काम के लिए, सो आई वुड डेफिनेटली रेट हिम एज अ डेब्यूटेंट 8 out of 10। मेरा पहले भी नहीं। और उर्वशी जी आप मतलब
डांस के लिए बहुत ज्यादा अच्छे से जानी जाती है, मतलब यहाँ पर कोई भी जब बड़ा गाना होना होता है तो उर्वशी रौतेला का नाम सबसे पहले आता है कि डांस नंबर है। सो तो सर के साथ आपको लगता था कि मतलब मुझे कम करना चाहिए या मैं उसी लेवल पे करूंगी, और सर ने आपको उतना चेज कर लिया उस लेवल पे, आप कितने मार्क्स देना चाहेंगे रेटिंग डांस में सर को? सबसे पहले गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। और आपका बहुत ही लंबा क्वेश्चन है क्योंकि आपने पूछा पहले कि डांस के बारे में, फिर डांस में मार्क्स कितने देंगे, फिर एक्सपीरियंस कैसा था। सबसे पहले तो जो मेरा अपार्ट फ्रॉम डांसिंग बिट, अभी आपने सिर्फ एक ही हमारा गाना देखा शो का, है पो जो वेस्टनाइज सॉन्ग है, हमने यूक्रेन में शूट किया। इसके अलावा हमारे नहीं, मैं इसलिए पूछा, हमें करने में बहुत टाइम लग गया पीछे। अच्छा खासकर हमारे रील ने तो लोगों को मतलब धंधे से ऊपर कर दिया है। रील देखा ना बोला हवाई जहाज वाला, इनको थोड़ा समझाइए कि रील जहाज में नहीं बनाते हैं, जहाज में फर्स्ट क्लास के बाहर रील बनाइए, हम गरीब कैसे बनाइए? देखिए इतना ट्रैवल करते हैं, टाइम की कमी होती है, तो जहाँ पे भी यू नो एट द राइट टाइम हमको जब रील रिलीज करनी है तो अगर हम अगर फ्लाइट में है तो फ्लाइट का ही इस्तेमाल करके हम नहीं, मुझे लगा कि बड़े आदमियों की फिल्म है तो रील बड़ी जगह पे बनेगी। बड़ी जगह पे कैसी जगह होगी? अरे हवाई जहाज के ऊपर, हवाई जहाज में। अब हम कहाँ बनाए, साइकिल पे बना रहे थे हम लोग रील, हाथ छोड़ के ऐसे साइकिल गिरा, दो दो बार टूटे लोगों के जी। बट जो हुक स्टेप है काफी ज्यादा इजी है, बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है उसको, बहुत ही ज्यादा कैची है, मतलब इट्स जस्ट लाइक कि आप आगे पीछे जा रहे हैं एंड देन दिस स्टेप। बट हाँ, रही बात उसकी भी, और हमने एक दूसरा एक और काफी इमोशनल हमारा म्यूजिकल एक और ट्रैक है तो वो भी शूट किया था, वो हमने बहुत ही ज्यादा ठंडी में किया था, -degrees टेम्परेचर थे, तो आई कुड सी एंड आई कुड फील इट कि ये बहुत ही ज्यादा डिटर्मिंड है एक शॉट को लेकर के, चाहे सर्दी हो बहुत ही ज्यादा गर्मी हो, बट ही इज रियली रियली वेरी डिटर्मिंड कि वो शॉट अच्छे से करना है और वो कोरियोग्राफी अच्छे से करनी है। इवन विद लाइक मूवी सीन्स, बिकॉज आई प्ले अ साइंटिस्ट and an IITian in this film, तो हमारे कई सारे shots होते थे dialogues के, but until unless जब तक वो satisfy नहीं होते थे पूरी तरीके से, तब तक हम shot पे shot ऐसा चलता रहता था। वाह, and we have directors JD sir and Jerry sir, oh क्या बहुत शांत किस्म के, बहुत ही नाजुक से, मुझे लग रहा है मैंने shot में भी देखा अंदर film में भी, है ना guest appearance हमारे गाने में, thank you for the compliment। सर जी, मोटा मोटी अगर कहानी की बात करें तो क्या है मोटा मोटी कहानी? इंग्लिश, द स्टोरी ऑफ द मूवी इन शॉर्ट, मेरी इंग्लिश ऐसी है। स्टोरी शॉर्ट द फिल्म इन यूक्रेन कुल्लू मनाली एंड डाउन साउथ पलाची एंड कुंभकोणम एंड लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग सेट्स। The story revolves around a scientist, a very nice person, very simple and lovable person. He is struggling to achieve his goal, and end of the film, he become a legend. This is the one line of the story. Very actually, this film contain a very unique message and unique content. That's why we are able to release in all languages, Hindi, Tamil, Telugu, Kannada. Yeah. Because it will connect to everybody. This issue is very, very important. I don't want to reveal now. You have to see in the theater. Yeah. And then this film is going to connect with everybody, every family, every individual. That's a unique USP of the film. That's why we are very confident on releasing in every language. Sir, ये जो legend sir हैं ही, वो हमारी legend heroine हैं। इतनी film करने के बाद उर्वशी beautiful, खूबसूरत dance की queen हमारे Hindi film industry की। So how was the experience overall? Mix and match hai pura? The whole experience was so delightful. Actually working with this kind of brilliant actors is a pleasure and it's a gift. The end result is what you are seeing. So good evening to all the media people. We are here to present this film. After wonderful process of 1.5 years film making, we brought this film here, and definitely this film will not disappoint you. You are all brilliant critics and wonderful film lovers. You will definitely love this film. Please carry this to all the people throughout India. Yeah. And this is the humble request we have in front of you.
थैंक यू सर, थैंक यू। बट ट्रेलर बता रहा है कि कोई भी डिसअपॉइंट होगा नहीं फिल्म से। थैंक यू। ट्रेलर शोज दिस। सो राजीव, अब ओपन करना चाहिए मीडिया के लिए। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम यस 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 माइक्रोफोन दिया जाए प्लीज। माइक्रोफोन दिया जाए प्लीज। Yes, sir. Please. Hi. Congratulations to the entire team. This side. Can you just move over? Huh? Yeah. Sharanan, I just wanted to know कि आपके साथ आपने दो लंबी हीरोइन को क्यों चूज किया? That story required है उसके लिए। अच्छा, मतलब there is a requirement, मतलब वो उस तरह की requirement है मतलब स्टोरी में, या फिर आपको you know क्या मतलब द स्टोरी की रिक्वायरमेंट थी कि दो लंबी हीरोइन चाहिए थी, या आई डोंट नो मतलब देयर इज नथिंग मैटर दैट टाइम व्हाट एवर वांट उर्वशी दैट कैरेक्टराइजेशन के लिए बहुत सूट हो रहा है, आप देखने के बाद मालूम पड़ेगा। सो दैट इज अ रीजन, दैट्स ऑल। एक्चुअली ये मेरा भी डेब्यू है बतौर एक्ट्रेस, ये मेरी पहली तमिल फिल्म है। ये इनकी डेब्यू है बट मेरा भी डेब्यू है तमिल में, और मेरा शुरुआत से एक ख्वाब था, एक ड्रीम था कि मुझे एक फिल्म मलयालम में करनी है, एक फिल्म तेलुगु में करनी है, एक फिल्म कन्नड़ा में करनी है और एक फिल्म तमिल में करनी है। बट थैंक्स टू सरावनन सर एंड जेडी जेरी सर कि मेरा ये एक ही फिल्म करके ये जो ड्रीम है पैन इन एक्ट्रेस बनने का। एक एक कर रहे, दस दस करो और पंद्रह पंद्रह करो, एक ही करना पड़ेगा। देखो शुरुआत में इंसान वही सोचता है कि पहले एक करनी है हर एक जगह पे, सो दैट आई कैन बिकम अ पैन इंडियन एक्ट्रेस। तो आपने पूछा इनसे कि लंबी एक्ट्रेस होने का क्यों कास्ट किया। हम मतलब मुझे तो जो मेरा किरदार है इस फिल्म में वो है IITN का, साइंटिस्ट का। तो जब आप देखेंगे अभी देर आर नो पोर्शंस इन इट, अभी आपने मतलब काफ़ी कुछ ऐसा है हमारी फिल्म में जो भी आपने नहीं देखा है, हमारे कई सारे बहुत अच्छे सीन्स भी हैं इस फिल्म में, मैंने एक्शन भी किया है, काफ़ी इमोशनल सीन्स भी हैं और लव है, रोमांस है, सो सभी वो इंग्रेडिएंट्स हैं पूरा का पूरा इस कैरेक्टर में। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल कि मतलब एक्शन जो हमने सीक्वेंस प्लान किया था इन दी एंड, अगेन अनिल अरुसु सर ने एक्शन डायरेक्शन किया है, बहुत ही अमेजिंग निकल के आया है। और एज अ फीमेल मेरा शुरुआत से ही मुझे ये एक मेरी चाहत थी कि मैं एक्शन करूँ, और जो इस फिल्म से एक तरीके से पूरी हो गई है। सो शी इज़ अ साइंटिस्ट बट एट द सेम टाइम शी डज एक्शन एंड शी इज डांसिंग इन द फिल्म। तो कहते हैं कि जो एक वर्सिटैलिटी होती है बतौर एक्ट्रेस की वो मेरी पूरी हो गई है इस फिल्म में। राय लक्ष्मी, व्हाट हैव यू टू से अगेन, शी हैड अ रीजन टू डू अ फिल्म बिकॉज़ इट वाज हर डेब्यू फिल्म, व्हाट अबाउट यू? आई हैव डन अ स्पेशल अपीयरेंस इन दिस फिल्म। मैं मूवी में नहीं हूँ, मैं सिर्फ गाना एक गाना की हूँ, एंड दैट्स अ फोक सॉन्ग विच इज अ वेरी वेरी फेमस फोक सॉन्ग। So knowing that I do a lot of mass South Indian songs, so this is my forte. So इनके साथ मेरा बहुत पुराना working relation है। इनका बहुत बड़ा brand है सरवना stores करके, तब से हम लोग इनके साथ associate किए हुए हैं। So I have been in his ads from so many years. So it was an honor to be part of his debut film. हम लोग उस time से देखते आए इनको as a businessman, now as an actor, so it's quite inspiring. Sir, वैसे मेरा सवाल आपसे है, ये सच में आपका सवाल था या एक मर्द की जलन अंदर से बोल रही थी? क्यों ये आपको ये लगता है आपको महसूस हुआ था? बैठे ये सवाल मतलब सर हो ना सर सर प्लीज लेकिन सर प्रोमो देखने के बाद बिल्कुल नहीं लगता कि आपकी ये डेब्यू फिल्म है। ये फिल्म की जर्नी किस तरह से शुरू हुई और इससे पहले आपने किस तरह का प्रिपरेशन किया? एक्टिंग में बहुत अच्छे दिखे आप, डांसिंग में बहुत अच्छे दिखे आप, क्या किसी तरह का प्रोफेशनल कोर्स वगैरह भी किया आपने इसके लिए? आपने कोई कोर्स किया इसके लिए जो इतना अच्छा एक्शन कर पाए, इतना अच्छा? नहीं, एवरीथिंग इन माइंड सेट ओनली। कोई भी चीज है ना, जस्ट लाइक अभी नया गाड़ी, वी वांट टू ड्राइव द कार, फर्स्ट ड्राइविंग एक्सपीरियंस, 2-3 days you are in struggle drive karne ke liye, after that you easily drive the car and everything, same thing all the aapka dil mein interesting hai to sab kuch aata hai, easily aata hai, that's all. Abhi 10 saal ke baad chief minister of Tamil Nadu.
हेलो सरवण सर, हेलो जी नरेंजी, नरेंजी आजकल साउथ के हर मेकर बोल रहा है कि हमारी फिल्म पैन इंडिया है, आपकी फिल्म ऐसी क्या खासियत है कि जिसको पैन इंडिया बोला जाए? या खंडन आपका फिल्म है एक्चुअली, दैट स्टोरी है ना, एक नॉर्मल पर्सन ये दुनिया के लिए अच्छा करने के लिए ट्राई कर रहा है एंड बहुत ज़्यादा हिम्मत कर रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली ऑपोजिशन समबडीज एंड स्ट्रगल टू देम एंड लॉस्ट लॉट ऑफ लॉस इन हीरो आल्सो, सो हाउ टू दैट ब्रोकन द ऑल द थिंग्स, हाउ टू विन एंड पब्लिकली क्या दे रहा है, आफ्टर दैट पब्लिकली क्या दे रहा है, सो दैट इज द मेन कोर ऑफ द फिल्म. सर मुझे लगता है पैन इंडिया ना कोई भी फिल्म ऐसी चल जाती है जो दैट इज अ यूनिवर्सल कंटेंट, दैट इज अ यूनिवर्सल कंटेंट. ये फिल्म है ना पैन इंडिया फिल्म है, तमिल तेलुगु कन्नड़ा हिंदी सबसे लैंग्वेज में आ रहा है, दैट इज अ रीजन इज द पैन इंडिया मीनिंग यूनिवर्सल कंटेंट, दैट कंटेंट इज द मेक द थिंग्स. केजीएफ भी बड़े स्केल में थी बट इन द एंड वो कर्नाटका की कहानी है, सो आई मीन पैन इंडिया इज जस्ट लाइक डिपेंड्स ऑन द कंटेंट एंड कितनी कितना बड़े रीजन्स में वो है, कंटेंट वर्ल्ड वाइड कनेक्ट होता है दैट कंटेंट. या यू राइट सरवणन, एक्चुअली वी हैव अ वी आर टॉकिंग अबाउट अ इश्यू इन दिस फिल्म व्हिच इज वेरी 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 यूनिवर्सल करंट नोन थ्रेटनिंग इश्यू इन टुडेस वर्ल्ड, दैट इश्यू नो वी डोंट वांट टू रिवील दैट इश्यू, दैट पर्टिकुलर इश्यू इज द मेजर प्रॉब्लम throughout the world, not only in India, not only in small town, throughout the world, that's a major issue that is threatening. It's about a health thing. We are talking about that thing. That's the that content, no? It made us to drive this film, made us to make this film, and the content only made us to announce this as a pan Indian film, because it will connect to each and every people. Definitely. When you see the film has all the answers. Hello. Saravanan, JD, Jerry. மூன்று பேரையும் வருக வருக என்று வணக்கம் கூறி வரவேற்கிறேன். வணக்கம் 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 சார், வணக்கம் வணக்கம். இது இந்த let me switch over to English. ஓ ஓ ஷோ ஆஃப் கரீ தியனா தும்ல हमारे गांव के मिक्सर ये आने तो சரவணன் யா இந்த படத்தை நீங்க ஏன் டைரக்ட் பண்ணவும் முயற்சி செய்யவில்லை? ஐயோ அந்தளவுக்குலாம் நானும் வளரலைங்க. இது வந்து ஆக்டிங் இது இஸ் எனஃப், ஐ ஃபேஷனபிள் அபவுட் த ஆக்டிங், ஸோ அதை வந்து ஒரு நல்ல ஸ்டோரி கிடைச்சது, ஒன் ஆஃப் த ஃபேண்டாஸ்டிக் ஸ்டோரி, ஸோ கனெக்ட் த ஆல் த பீப்புள், கனெக்ட் டு வெரி ஈஸிலி கனெக்ட் டு ஆல் த பீப்புள், ஸ்மால் சில்ட்ரன்ஸ் அண்ட் அப் டு எல்டர் பர்சன் தக் ஏ சப்கா ஏ கனெக்ஷன் ஒத்தாய், ஸோ தட் இஸ் அ ரீசன். அச்சா ஃபர்ஸ்ட் க்வெஸ்சன் வாஸ் இன் राजीव करो करो सर पूछ रहे थे ये राय लक्ष्मी बताएंगी नहीं अरे जो इन्होंने बोला तुम बताओ. अच्छा मैं बताऊं? हाँ, जो इन्होंने बोला सर ने जो इंग्लिश में बोला. नहीं नहीं अगर मुझे इंग्लिश आती होती तो मैं प्रपोज कर चुका होता अब तक. अच्छा क्योंकि क्योंकि इस फिल्म 5 लैंग्वेज में बन रही है, बन गई जी, लेट मी आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन इन मलयालम. നിങ്ങൾ മലയാളം എങ്ങനെയാണ് ഡബ് ചെയ്തോ അല്ലെ നിങ്ങളെ സ്വന്തമായിട്ട് മലയാളം സംസാരിച്ചു? സർ ആ സവാൽ പൂച്ചനെ അപ്പം ഓഡീഷൻ തരേ ഞാൻ പറ आपने खुद जब सर अगली फिल्म बनाएंगे आपको बुला लेंगे. निवर ये गेस्ट अपीयरेंस कर चुके हैं बहुत सारी फिल्मों में, चिंता मत कीजिए. दैट फिल्म इज अ टोटली एंटरटेनमेंट फिल्म, एक्शन कॉमेडी रोमांस एंड इमोशन कनेक्ट टू एवरीवन. तो मैं टोटली कमर्शियल एंड टोटली एंटरटेनमेंट पिक्चर. लेजेंड सर पहले ना उनका सवाल भी आप ही बता दिया करो कि उन्होंने पूछा क्या. अदरवाइज मैं ट्रांसलेट करूंगा तो उनको समझ में नहीं आएगा. उर्वशी नहीं आएगा. चलो मैं पूछ लेता हूं, हिंदी में तुमने वर्तन नाला तुम मतिन मतिन तुमने वर्तन ना अब सर अन्य ने तुम पता लिंग तो बनना ना तो हिंदी में वर्तन लाला सर बंदे ने बोला तो नजर मत करना लेजेंड सर तो इसमें तुमने वर्तन वर्तन लाला आपकी वजह से एक और बंदा ऑडिशन दे रहा है यहां पे. उर्वशी हाँ जी, जब आपको कहा गया कि आप साइंटिस्ट बन रही हैं, हाँ जी, नॉर्मली साइंटिस्ट जो किरदार होता है चश्मे पहने पढ़ाकू लड़की नॉन ग्लैमरस टाइप का रोल, तो आपने क्या कुछ सोचा था कि ये नॉन ग्लैमरस होगा या क्या था, इस बारे में जरा बताना चाहेंगे आप? जी मैं एक्टर हूँ, मुझे जितना ग्लैमरस रोल प्ले करना अच्छा लगता है उससे कई ज़्यादा नॉन ग्लैमरस रोल्स भी प्ले करना अच्छा लगता है. जो उसके बाद मेरी नेक्स्ट आ रही है विद रणदीप हुडा इंस्पेक्टर अविनाश, वो एकदम ही नॉन ग्लैमरस है,
एक और हिंदी रीमेक है, साउथ इंडियन सुपर हिट साउथ इंडियन फिल्म है थ्री टू पायलट टू, उसका हिंदी रीमेक है, वो भी मेरी बिल्कुल नॉन ग्लैमरस है. सो बट इस फिल्म में क्योंकि ये कमर्शलाइज्ड है एकदम बिल्कुल कमर्शियल मसाला, तो ये जो मुझे बताया गया था कि IIT में प्ले कर रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित थी, बहुत ज़्यादा मैं खुश हो गई, क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतनी पढ़ाई करी और तब जाकर के आई स्कोर 97% इन माई 12th बोर्ड एग्जाम्स बिकॉज आई वॉन्टेड टू क्लियर IIT. तो एक तरीके से वो ये था कि एक आपको जब इस तरीके का रोल मिले अपनी फिल्म में करने का जो आप हमेशा चाहते थे अपनी जीवन में, तो एक अलग तरीके की यू नो एक एक्साइटमेंट आ जाती है और यू फील सो एनर्जेटिक. एंड आई वॉज ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो थी ये रोल प्ले करने के लिए, बट ये थोड़ी सी ऐसी IIT और साइंटिस्ट है जो डांस भी करती है, एक्शन भी करती है, तो इट्स लाइक अ पूरा हर चीज़ करती है एक्चुअली. उर्वशी जी, आपने 97% नंबर लिए थे? हाँ जी, मैं इधर से पूछ रहा हूँ. देखिए, मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि हर किसी को ये लगता है कि जैसे कि हम सब खूबसूरत लड़कियां बैठी हैं यहाँ पे, कि खूबसूरत लड़कियों में दिमाग नहीं होता है. आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं. मैंने ऐसा नहीं कहा. आई फील एवरी प्रिटी गर्ल एंड एवरी खूबसूरत लड़की कैन बी इंटेलिजेंट. नहीं नहीं, मैंने ये कहा 97% मार्क्स लेके जितने आपने मार्क्स लिए इतने में हम जैसे 3 लड़के पास हो जाते हैं. आपने अकेले उतने नंबर आप यकीन करोगे मैंने मेरी लाइफ में कभी बंक नहीं किया है. मैं सारे क्लासेस अटेंड करती थी और सबसे हैवी बैग मेरा ही होता था. इसीलिए आपको पता साइंटिस्ट का रोल मिला जी. आप खोज भी कर दीजिए कोई. जी हाँ बिल्कुल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर JD एंड जेरी. हाउ वॉज इट वर्किंग विथ द ग्रेट कॉमेडियन विवेक एंड डिड यू कंप्लीट द वर्क बिफोर ही डाइड? அவரோட ஒர்க் பண்ணது வந்து ஒரு மோஸ்ட் மெமரபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஆக்சுவலி இஸ் ஆஸ்கிங் அபவுட் ஆக்டர் விவேக், லெஜெண்டரி ஆக்டர், ஹி ஹட் பாஸ்ட் அவே. இட்ஸ் அ கிரேட் லாஸ் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ் டு த டோட்டல் என்டையர் சினிமா வேர்ல்ட். பட் வி சுட் நாட் சே லக்கிலி. எனிவே, ஹி ஹட் கம்ப்ளீட்டட் ஹிஸ் போர்ஷன் இன் அவர் ஃபிலிம். And after that only this tragedy happened. He had done the dubbing, everything he had completely finished in this film. It was a great memories, great pleasure to working with him. And would you say that the great success of films like RRR, KGF and Pushpa gave you the courage to get your film dubbed in 4 South Indian languages and Hindi? Actually today's cinema adds changed a lot. Every film maker has a unique style and they are all making in a very grand imaginative, whatever the bigger screen, bigger imagination they are executing. Today the result also visibly we are all seeing. But our film, it's a big budget film. We have spent a lot, all our with our experience and technical support and graphics. We have done our best. This is a extravaganza film. It has all the elements in the film. And the issue what we are discussing in the film is, it's the most key factor. It's a pure entertainer. We have beautiful songs. Hari Jayaraj have done a fantastic, fabulous song. And extraordinary acting sequences. And we shot very nicely. With lots of huge sets we erected, and we traveled in and around India, out of country also, we traveled lots of places. It's a visual treat, actually. This film is a visual treat, and it's a pure entertainer. And the issue what we are discussing is very, very important issue what people should know that. It will guide them, it will touch them, it will emotionally move, it will make them to move like. That's why we made it as a big film. And yes, of course, because of RRR and Pushpa, KGF success, given us lots of hope and boost also. One thing I wanted to add in this thing, this film is not for OTT viewing. You're not satisfied when you're staying in OTT. You have to come to the theater and enjoy the film. The
visual treat and the sound design and the graphical work. You should come and enjoy in the theater. That's why we are releasing in a big way. Yeah. Lakshmi, Sarvana sir, जैसे लक्ष्मी ने बताया कि बहुत बड़ा ब्रांड है आपका ऑलरेडी और आप बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, एक फिल्म मेकिंग और एक बिजनेस रन करना क्या सिमिलैरिटीज हैं? इट्स वेरी नहीं, फिल्म दोनों हार्ड वर्क है, बिजनेस आल्सो सेम, अदरवाइज नॉट सक्सेस, हाई सक्सेस, यू वांट अ टॉप एंड सक्सेस, एवरीथिंग इज हार्ड वर्क एंड फोकस. एंड सिनेमा ऑल्सो सेम थिंग, बाहर से देखने के लिए सिनेमा बहुत ईजी लग रहा है, बट अंदर जाके देखने के बाद मालूम है कितना टफ है, उसमें सक्सेस करने के लिए नॉट ईजी, बहुत ज़्यादा ध्यान करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा. एक्टिंग ओके, दैट इज नथिंग मैटर, बट प्रोडक्शन इज सर, योर फिल्म इज पार्टली शॉट एट ब्यूटिफुल लोकेशंस यूक्रेन. या How do you see when the current visuals of Ukraine you see on TV and TV news? Nay, very heart burning. Actually, that peoples are very humble and very respectful and hard work, very hard work peoples. Ye people ke kyun kitna dukh ho raha hai, I am very heart to in my heart. Yeah. And हेलो, यस यस, हेलो, हाँ यस, बोलिए ना सर्वानंद सर, सर भैया सर, या हाँ सर, योर फिल्म यू द एक्टिंग द रोल एंड द लुक ऑफ द ट्रेलर इज लुकिंग लाइक रजनीकांत, सो आर यू इंस्पायर्ड बाय रजनीकांत और लाइक? या एक्चुअली छोटे से मैं रजनी सर का फैन है, सो ये देख के थोड़ा अंदर है, एक्टिंग करने के टाइम ये नहीं आना पड़ेगा, बाहर कोई भी सीन में ऐसा नहीं आना पड़ेगा, सोच के मैं करता है, बट अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स बाहर देख रहे हैं, व्हाट कैन आई डू. वेरी गुड. कैन आई से वन थिंग? यस. लेजेंड सारा वानन इज रजनीकांत 2.0. डोंट कंपेयर हिम, ही इज द achieved all the things. Sarvana sir, we started now, that's all. Urvashi has sab pool patti khol rahi hai aapki. Haan. 10 saal ke baad aap kya karne wale ho, bata diya usne. Nahi, kuch. Astrologer ban gayi hai aaj kal Urvashi Raut. Very good Urvashi. Sab pool patti khol, andar ki baat batao. Haan. Aur kya kya hua film mein? Lakshmi, gaane ke baare mein bataiye aap. Bahut log janna chahte hain. Aapne do gaane, aapka favorite gaana kaun sa hai? Aapne trailer dekha, promo dekha, gaana. Aapka apna gaana to hai hi, uske siwaye bhi. हैरिस जयराज बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं साउथ में, और यहाँ पे भी काफ़ी हिंदी डब सॉन्ग्स हुआ हुआ है. सो इस फिल्म में एक चीज़ है कि सारे टॉप टेक्नीशियंस, सारे फेमस लोगों ने काम किया है, एंड जो गाना मैंने किया है वाड़ी वासिल, मैंने तो पहला गाना वो मैंने सुना, उसके बाद मैंने बहुत सारे गाने सुने. इनफैक्ट इट्स अ एल्बम ऑफ अ लॉट ऑफ हिट सॉन्ग्स मैं बोल सकती हूँ, बिकॉज out of 5 at least I have heard 3, no 4, usme to 3 gaane mere favorite hain. Kya baat. So isme Raj Sundaram ne choreograph kiya hai, aur in the last 15 years meri pehli song thi Raj Sundaram ke sath. Oh. So wo, and the way it's so colorful, south films mein na bahut colorfully बहुत बड़े लेवल पे शूट करते हैं, यू नो, स्पेशली सॉन्ग्स आर गिवन अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, यहाँ पे भी दिया जाता है, बट इट्स शॉट डिफरेंटली. सो मेरे गाने पे आई सॉ सम लिटरली अबाउट 800 डांसर्स और मोर देन 800 डांसर्स, तो जब मैं शॉट देने आई, आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है, यहाँ पे तो मेला बन गया है बेसिकली, द होल सेट वॉज अ मेला. सो सब सेट बिल्ड किया है, दे हैव क्रिएटेड अ सेट, सो इट वॉज अ ह्यूज thing for us being in the same industry, aur inhone ek cheez compromise nahi ki hai. Wow. So that's one thing, and that's what the product is. Yeah, he is a pure businessman, kabhi compromise karenge bhi nahi. Nahi, don't worry. Aur Rai Lakshmi ji, ye bataiye ki aapne kaha 4 mein se 3 gaane aapke favorite hain, bahut zyada, to kahin thodi bahut dil mein dukh, jealousy ki baki gaane mere hisse nahi aaye, Urvashi kar gayi baki gaane? Aise nahi yaar, I'll be more than happy. Yeah, please. Next sir, kuch bol rahe the aap? Question? Yeah, we have a question. Yeah, Saravanan, I wanted to know, in the promo what you just screened, one of your co-stars, co-actors, refers to you as dangerous scientist. Okay.
So can you say something, give you a comment on that? He refers as a dangerous scientist. Yeah, they refer you as dangerous scientist. Actors, actresses around us, let us create, we will write something good for them to perform. So let them perform, we will behind the cameras. Actually, I wanted to tell you one thing. He acted one film called Pardesi, Bala's film. He acted as a villain throughout the film. Sir, actually, I'm so happy to recall that memories. Director Bala is one of the famous director in India, one of the topmost director. He made a film called Pardesi, which got released 4 years back. In that film, that villain character, I only did as a villain, and I got best and lots of appreciation and awards too. So that's, at this moment, I would like to say thankful to Director Bala, Director Sankar, and many more filmmakers who always inspired us to make, throughout our career, through their films, through their work, we got inspired. So at this moment, we would like to say thanks to every filmmaker. Okay, Urvashi, yes. जब तुम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आई तो उसके बाद जहां पे भी म्यूजिक और गाने की बात आती थी तो सबसे पहले आपका नाम आता था, फिर फिल्मों की बात आई, फिल्मों में आने लगी, अब साउथ में आपने स्टार्ट कर दिया है. जिस तरह से इन्होंने बोला कि लक्ष्मी को जलेसी नहीं हुई कि एक ही गाना क्यों, मैं भी कर सकती थी. तो अब क्या लग रहा है, क्या खास बात नजर आती है तुम अपने आप में कि जहां पर डांस की बात होती है, जहां पर इसकी बात होती है, सबसे पहले आपका नाम लिया जाता है? जी, वो अच्छी बात है, अपनी खुद की अपनी अलग पहचान बनाना सब इंडस्ट्रीज़ में जिसके लिए आप जाने जाते हो, बहुत ही अच्छी बात है. बट मेरा शुरुआत से ही, अपार्ट फ्रॉम कि मुझे फिल्मों को लेकर के, मुझे इस तरह की फिल्मों का पार्ट बनना है जो यादगार फिल्में हो, पहली बात. और दूसरी बात, वर्सेटैलिटी एज एन एक्ट्रेस काफ़ी प्रूव करनी है कि हमेशा एक ही तरीके का किरदार नहीं करना है, हमें अलग अलग तरीके का किरदार करना है और कुछ ऐसा करना है जो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो, विच पुशेस द एनवेलोप, और कि बस कुछ लगे हर दिन की एंड में कि कुछ किया है. तो हमेशा से ऐसा रहा है. कन्नड़ा में भी काम किया और हिंदी में भी. सो इट्स अ गुड शिफ्ट कि सब जगह का अपना एक अलग मज़ा है, अपना अलग एक स्टाइल है काम करने का. तो मुझे बहुत पसंद आया ये सब चीज़ें. एंड इंटरनेशनली भी आई एम वर्किंग विद माय इंटरनेशनल सिंगल्स एंड इंटरनेशनल फिल्म्स. अभी कैंस फिल्म फेस्टिवल में गए थे. और तो मेरा शुरुआत से ही रहा है कि दूसरा टारगेट ये है कि इंडिया को जितना ज़्यादा अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए इंटरनेशनली, दैट आई वॉन्ट टू डू. हमेशा. तो कौन कौन सी भाषाएं रह गई जिसमें आप काम करना चाहती हैं अभी? पंजाबी. पंजाबी कैरेक्टर मैंने मेरी पहली फिल्म सिंह साहब द ग्रेट जिसमें आप भी पार्ट थे, आप हमेशा इससे मेरे लिए लकी रहे हो, यू वर पार्ट ऑफ दैट इवेंट ऑल्सो ट्रेलर लॉन्च. तो उसे पंजाबी बोली थी पूरी, था हिंदी कैरेक्टर, था हिंदी डेब्यू था, बट क्योंकि वो लड़की मिनी थी पंजाब से तो पंजाबी कैरेक्टर बोला था. तो वो भी एक तरीके से, आई मीन इट्स डन. बट आई थिंक आई वॉन्ट डू समथिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें बची है, मे बी लाइक अ प्रिंसेस वॉरियर और लाइक अ एक्शन फिल्म. या जितने डायरेक्टर्स बैठे हैं सुन लें, मतलब कब जरूरत पड़ जाए. मैं रिलीज को लेकर बात करना चाहता हूँ कि आई थिंक 28 इज नॉट फ्राइडे एंड देयर इज वन मोर वेरी बिग फिल्म कमिंग, द एक विलन रिटर्न एक्चुअली, यू नो. तो हाउ डिड यू ऑल प्लान योर रिलीजिंग स्ट्रेटजी, और यू हैड टू पुश मेनी अ टाइम देन यू ऑल डिसाइडेड विद दिस पर्टिकुलर डेट? Actually, good day. Our team ke liye, we are decided all together. So Thursday, so that day is south mein koi bhi film nahi. And after that bhi film ka bahut gap jada hai. So that film also ready as a now only. So uske liye the film ready hone ke baad immediately we release the dates, choosing the good dates. That date is available. So we have planned this date. Sarvanand sir, after running a successful business, sir, how did you decide to act, sir? नहीं, यह मैं बोल दिया, पहले भी बोल दिया, छोटे से थोड़ा इंटरेस्ट था फिल्म इंडस्ट्री में. सो मैं हमारा लाइफ स्टाइल एंड हमारा फैमिली है ना, अलग रास्ता अलग है. सो आफ्टर दैट आई अचीव द ऑल द थिंग्स इन माई बिजनेस एंड ऑल टुगेदर. नाउ आई टर्न दिस साइड ऑल्सो.
हेलो सर्वानंद जी, वो कहते हैं कि लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछी जाती, लेकिन एक प्रोड्यूसर से ये तो मालूम कर सकते हैं हम कि इस फिल्म का बजट क्या था? ये सब लोग बोल रहे हैं, ये ऐसा छोड़ना पड़ेगा, ये करेक्टली अभी नहीं बोलना पड़ेगा. आफ्टर द सक्सेस आई टोल्ड यू ऑल द थिंग्स. सिर्फ इतना बता दीजिए कितने दिन शूट किया आपने फिल्म को? या 145 डेज शूट है. 145 डेज, उसके हिसाब से हम लगा लेंगे कितना बजट है. एवरी डे मोर देन 1000 पीपल इज वर्किंग विद. उन्होंने बता दिया 800 से ऊपर डांसर थे. पर डे डांसर अगर 2000 रुपए भी आता तो हम तो हिसाब लगा लेंगे बैठ के. तो चलिए आइए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं. लास्ट क्वेश्चन यार जी. जी जी या लास्ट क्वेश्चन. मुझे लगा ये पूछने वाली दौड़ के आई है कि लास्ट का तो मैं ही पूछूंगी. Congratulations, sir. Actually, the trailer is looking very amazing, and my question is for the legend, sir. So I just wanted to ask you that after being so successful in the business life, now you are into the act. What do you want to say about that? Success. Successful businessman. Can you repeat? थोड़ा धीरे धीरे बोल के. थोड़ा धीरे धीरे बोल के. लास्ट क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भाग जाएं. नहीं नहीं, लास्ट टू लाइंस अगेन ही है. या सो कांग्रेचुलेशंस सर, द ट्रेलर इज बेटा. लास्ट लास्ट लाइन मेन क्वेश्चन. सो आफ्टर बीइंग सो सक्सेसफुल इन द बिजनेस लाइफ, नाउ यू आर इनटू द एक्टिंग, सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? ये पूछ लिया पहले किसी. हां मैंने पूछा था, मैंने पूछा. आप दौड़ ज्यादा रही थी तो इस सवाल को ना गलती से किसी ने पूछ लिया. गलती से नहीं, मैंने ही पूछा था. आपने? या सर सिमिलैरिटी वही पूछ रही है कि बिजनेसमैन के बाद आप इसमें आ गए हैं, इस फिल्म में, तो कैसा अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? चलिए इसका क्वेश्चन और मॉडिफाई कर देता हूँ. बिजनेस इज रनिंग रेगुलरली, दैट इज आवर चाइल्डहुड बिजनेस. ये कंटिन्यू चल रहा है, ये भी ग्रोथ डे बाई डे चल रहा है, उसका भी फोकस चल रहा है. आई एम फैशन अबाउट द फिल्म इंडस्ट्री, सो ये उसमें भी अभी मैं ध्यान कर रहा हूँ, उसमें भी रन करता हूँ. या आफ्टर दैट वी डिसाइड, आफ्टर दैट सक्सेस वी डिसाइड ऑल द थिंग्स. क्या बात है, वेरी गुड. लेकिन थैंक यू गाइस, और कोई बचा नहीं ना, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए. हाँ हाँ, ग्रुप फोटो लीजिए, ग्रुप फोटो लीजिए. सर थोड़ा आगे आइए, माइक्रोफोन लीजिए प्लीज इनके हाथ से. थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू मीडिया फॉर ऑल आवर. प्लीज आप लोग रहिए अभी. अरे हेलो, अभी एंट्री बाकी है. अरे दो मिनट बैठो. अरे पूरा, अरे एक्ट बाकी अभी यार, अभी बैठो, कहाँ जा रहे हो? हाँ फोटो. हाँ वो पीछे, एक मिनट. हेलो. हाँ जी कौन? हेलो कौन बोल रहे हैं? प्ले द म्यूजिक प्लीज. अरे म्यूजिक की कोई जरूरत नहीं है. तो किधर हो? म्यूजिक की जरूरत नहीं. अच्छा है अच्छा रुको, पहले फोटो होने दो. अरे फोटो होने दो भाई, थोड़ा सा